सुप्रभात बच्चों, मैं सुधा मिश्रा, ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत से आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, मैंने पिछले सप्ताह समय समझाया था, आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने अपने कार्य भेजा है, कार्य आपका उत्तम है। आज मैं आपको पंचम पाठा सूक्ति मोक्तिकम समझाऊंगी, उसकी श्लोकों का अर्थ समझाऊंगी। इस पाठ में 8 श्लोक है, मैं आज आपको 4 श्लोक समझाऊंगी। श्लोक समझाने से पहले मैं आपको पाठ किसके बारे में बताऊंगी कि इस पाठ किसके विषय में है। सुजमा उक्ति, यानी सुजमा उक्ति, सु का मतलब अर्थ है अच्छे, उक्ति का अर्थ है वचन, मोती की तरह, मोतिकम मोती की तरह, अच्छे वचन मोतियों की तरह, जो आपके सदाचारी वचन है जिसको आपने अपने में धारण करना है। इसके पहले मैं पाठ से अवगत कराती हूँ। संस्कृत साहित्य में नेत ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता के स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो बच्चों, हम पहले पहला श्लोक समझा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुने। व्रतम यतनेन समरक्षेद वितमेति चायाति च अक्षणो विततः शृणो व्रत ततस्तु हतो हतः। इस पाठ का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। याद मन स्मृति द्वारा दिया गया है। इसमें पाठ के अर्थ हैं, इस श्लोक का अर्थ है व्रतम चरित्र, वितम धन, यत्नेर प्रत्नपूर्वक, सर्वशेत रक्षा करनी चाहिए, अक्षीण जो क्षीण नहीं हुआ। अर्थात अर्थ है धन तो आता और जाता रहता है, पर अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन से क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता, पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो संपूर्णता वह नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, सूर्य ताम धर्म सर्वशम सुत्वा चेवाध्यायताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरे। इस श्लोक को विदुर ने लिखा है। अब इसके शब्दों के अर्थ हैं, सूर्यता सुना जाए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, अवधारिता समझा जाए। तो इसका अर्थ है, हे लोगों मनुष्यों, धर्म का सार सुनिए, सुनकर समझ ले कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे उसे दूसरों के प्रति आचरण ना करें। अर्थात जो हमें, जैसी वाणी हम बोले, जो हमें ना अच्छी लगे वो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्माद् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। शब्द के अर्थ हैं, प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, यानी खुश होते हैं, तदेव वही वक्तव्यम बोलना चाहिए। अर्थ है, सभी प्राणी मधुर वचनों के बोलने से प्रसन्न होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी, यानी अर्थात हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए,
कभी किसी से दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। अब हम आपको चौथा श्लोक समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पिबन्ति नधा स्वमेव नामभा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, परोपकाराय सताम विभूतयः। इस श्लोक के अर्थ हैं कि अंबा, अंबा का अर्थ होता है जल, वारिवाह बादल मेघ, सस्यं फसल, आदन्ति खाते हैं, विभूतया समृद्धियां। ध्यान से सुनिए, नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की समृद्धि दूसरों के लिए भलाई के लिए होती है, अर्थात दूसरों के परोपकार करने के लिए होती है। जिस प्रकार से नदियां जल अपना नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, और सज्जन लोग भी अपनी समृद्धि दूसरों के लिए परोपकार के लिए रखते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इन चार श्लोकों के अर्थ बताए हैं। अब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट सप्ताह में, अगले सप्ताह में आपको और चार श्लोक है बाद में पढ़ाएंगे। तब तक आप इन श्लोकों को लिखना, पढ़ना, याद करना, और जो मैं अभ्यास कर दे रही हूँ उसे करना। धन्यवाद।